आपका घर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, अब आप चाहते हैं उसके ऊपर भी जो है एक मंजिल चाहे दो मंजिल बनाने का, तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर को फ्रेम स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करें। आप ग्राउंड फ्लोर को बिना तोड़े हुए जो है फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं। तो चलते हैं, जो हम अभी यहां पे काम कर रहे हैं, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, इसको फ्रेम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देना है भाई इसको कन्वर्शन से पहले, जिससे क्या कि कोई भी तरह की दिक्कतें ना आए, बिल्डिंग क्रैक ना हो, ये भी ध्यान देना। तो अब देखिए, तो सबसे पहले आता है कि भाई हमें जो है मेजरमेंट करना है, ठीक है। मतलब कि जो बिल्डिंग पहले वाला जो है आपका जो ईट वाला, अब लोड बेयरिंग अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मतलब जो ईट वाला जिसमें कॉलम बीम नहीं होता, ईट वाला जो घर है और जिसके ऊपर बस छत ढलाई रहता है, ईट वाला घर को हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना। जो भी मेरा मेजरमेंट आया, जहां भी मेरा जो है रूम हुआ, बेडरूम हुआ, बाथरूम हुआ, इस और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो बिल्डिंग है, ठीक है, और इसका हमें जो है जैसे यहाँ रूम हो गया, यहाँ पे गली हो गया, यहाँ पे पैसेज हो गया, टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, और फिर यहाँ पे एक रूम हो गया, ये जो है स्टेयर हो गया, और यहाँ पे हॉल हो गया, इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है क्या है कि अब इसी बिल्डिंग को जो है मैं फ्रेम में कन्वर्ट, तो हमको मेजरमेंट कर लेना भाई कितना है। मान ले ये जो है 30 फीट का है और ये मेरा जो 50 फीट का है, इतना एरिया मेरे पास अभी जो खाली था गार्डनिंग के लिए, तब इसमें भी हमको जो कंस्ट्रक्शन काम करवाना है। तो मेजरमेंट कर लिए हम पूरी तरीके से, लंबाई चौड़ाई जहां पे जो भी है। तो फिर इसके बाद आता है कि अब इसके हिसाब से अब जो एग्जिस्टिंग दूसरा क्या है, एग्जिस्टिंग ड्रॉइंग बनाना है। ये ड्रॉइंग बना लिए, अब हमें जो है ये हो गया ग्राउंड फ्लोर का। अब हमें इसके एवज के बारे में आपको फर्स्ट फ्लोर कैसे बनाना है, फर्स्ट फ्लोर का हमको नक्शा तैयार करना है। ये कब यहाँ पे ले लिए, अब यहाँ पे क्या है कि एग्जिस्टिंग ड्राइंग में अब हमको जो है क्या देना है, कॉलम पोजीशन। क्योंकि जब कॉलम पोजीशन देंगे तभी इस पोजीशन के हिसाब से तब हम जो है फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। तो कुछ कॉलम यहाँ दे दिए, कुछ यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, इस हिसाब से जो है आपको ध्यान में लेकर चलना है, जहाँ जहाँ दे रहे हैं, यहाँ एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ, और इस एरिया को भी अब डेवलप करना है। तो अब क्या है, ये कॉलम आ गया, अब इसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है मैं जो है अब यहाँ पे पहले स्टेयरकेस यहाँ था, अब इसको यहाँ से तोड़ के यहाँ छत डले होगा, तो इधर मेरा जो है यहाँ पे कार पार्किंग हो जाएगा और यहाँ पे मेरा जो स्टेयरकेस हो जाएगा, यहाँ पे हम सैंपल बना रहे हैं थोड़ा फटाफट, जैसे कि आपको जो है ये बस आप पॉइंट याद रखिए कि आप किन किन चीजों का जो ध्यान देना है और आगे का जो है। तो यहाँ पे मेरा जो है कार पार्किंग हो गया और यहाँ पे सॉरी कार पार्किंग था यहाँ पे, यहाँ कार पार्किंग यहाँ पे रहा, इसके ऊपर में इस एरिया में मेरा किचन हो गया, ठीक है, और ये रूम हो गया, और यहाँ पे हॉल हो गया, और इधर जो है टॉयलेट हो गया, इधर एक बेडरूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूम आपको मिल गया। तो मेरा बस इसमें ये कहना है कि कॉलम पोजिशन आप जो है यहाँ पे दे दे, उसके बाद आपका जो आता है कि ड्राइंग बनाए, कॉलम पोजीशन दिए, फिर जो है फर्स्ट फ्लोर ड्राइंग बनाए। अब यहाँ तो फाउंडेशन कुछ जो जो कॉलम है उसका आपको फाउंडेशन ड्राइंग बनाना है, फिर उसके बाद जो है अब देखिए क्या है, ड्राइंग रेडी हो गया, फाउंडेशन का ड्राइंग भी रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, जहां जहां पे मेरा कॉलम आने वाला है वहां वहां पे मुझे जो वॉल कट करना है।
अब पूरा दीवार को नहीं तोड़ना, जहां कॉलम आ रहा है, जैसे मान ले कि ये मेरा इस दीवार में है, यहाँ कॉलम आ रहा है, बस इतना ही कॉलम दीवार काटेंगे और यहाँ फाउंडेशन के लिए एक्सप्रेशन करेंगे, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और फिर यहाँ पे फाउंडेशन हम लोग कर देंगे, कॉलम उठाएंगे और कुछ इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ये रहा, वाल कट कर दिए, वाल कट किए, फिर उसके बाद जो है एक्सप्रेशन किए, एक्सप्रेशन करने के बाद जो है फुटिंग का काम किए, फिर आपका जो है कॉलम का कास्टिंग किए, फिर आपका जो है रूफ कट किया, अभी तक रूफ कट नहीं किए, यहाँ पे जो है छत कटेगा जहां जहां पे है, तो रूफ कट किए, फिर वहां पे जो है कास्टिंग किए साथ में मिला करके। तो इस तरह से देखना है, और जहां जहां पे पॉसिबल हो सके वहां वहां पे आपको जो टाई बीम दे देना है, हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, जहां जहां पॉसिबल टाई बीम दे देना, और जहां जहां पॉसिबल बीम दे दीजिए, जैसे अब ये इस एरिया में बीम दे सकते हैं आप, इस एरिया में बीम दे सकते हैं, जो साइड साइड वाला एरिया है इधर दे सकते हैं, हाँ जहां पे एंट्री वहां नहीं दे पाइएगा यहाँ पे दे सकते हैं बीम। तो जहां जहां पॉसिबल हो बीम प्रोवाइड करना है, ये किसके ऊपर, छत के ऊपर, जो फर्स्ट फ्लोर का छत होगा उसके ऊपर प्रोवाइड करना है, जहां जहां एंट्री वहां देने पाएंगे, जहां जहां एंट्री नहीं है तो वहां पॉसिबिलिटी जहां जहां है वहां पर आपको बीम प्रोवाइड कर देना, ठीक है। तो ये सब चीज आपको जो है कुछ पॉइंट जो कि जिस समय अगर आप लोड बेयरिंग को फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर जब ये यहाँ पे बीम दे रहे इसके ऊपर तो आपको आराम से तो है वाल तो देंगे ही 9 इंची का, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सोच लेना चाहते ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है अगर आप लोड को फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी कभी आप घर बनाएंगे। हाँ पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका बिल्डिंग का क्वालिटी ठीक है तो आप जो है आराम से बना सकते हैं, और एग्जांपल की अगर हम बात करूं कि पुराना घर को नया घर में उसके ऊपर, नहीं तो अगर बिल्डिंग क्वालिटी खराब है तो उसको तोड़ करके कोशिश कीजिए नया बना दीजिए। अगर हाँ लोड बेयरिंग में ही फ्रेम पॉसिबिलिटी है, ऐसा मैंने जो है 4 प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ, और अभी ये और हर प्रोजेक्ट सक्सेस है, और अभी इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद है जरूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल वॉक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।